मनी डिटेक्टर फिट है। तो फाइनली दोस्तों, तेलुगु सिनेमा के मास महाराजा रवि तेजा की स्टाइलिश ब्लॉकबस्टर फिल्म खिलाड़ी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन धमाकेदार ओपनिंग मिल चुकी है और यह फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी हिंदी बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है। रमेश वर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को आज इंडिया में 2 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 2 दिनों में इस फिल्म का कलेक्शन कितना हो चुका है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी मास महाराजा रवि तेजा के डाहट फैंस और उनकी फिल्म खिलाड़ी को हिंदी में देखने के लिए एक्साइटेड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, रमेश वर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली एक स्टाइलिश ब्लॉकबस्टर फिल्म है खिलाड़ी, जिसके लीड में आपको रवि तेजा, मीनाक्षी चौधरी और निकितिन धीर नजर आने वाले हैं। दोस्तों, लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस स्टाइलिश फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1500 स्क्रीन्स मिली और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 1800 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। रवि तेजा के कैरियर की यह फिल्म दोस्तों उनके कैरियर में रिलीज होने वाली अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है, जिसे कि इतनी ज्यादा स्क्रीन्स मिली है। इससे पहले दोस्तों उनकी लास्ट फिल्म क्रेक ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। और अगर बात की जाए यहां पर खिलाड़ी के फर्स्ट और सेकंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिल रहे काफी अच्छे रिव्यूज के बाद रवि तेजा की इस फिल्म को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 80 लाख रुपए की धमाकेदार ओपनिंग मिली है, जो कि एक तरह से दोस्तों किसी भी साउथ फिल्म को मिलने वाली काफी अच्छी ओपनिंग मानी जा सकती है। दोस्तों इस फिल्म का हिंदी में कुछ भी खास प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों रवि तेजा की हिंदी में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को अपने पहले दिन 80 से 90 लाख रुपए की ओपनिंग मिली है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन है वो अपडेट होकर आ चुके हैं और इस फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है, जो कि 2022 की सबसे बड़ी ओपनिंग है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से तो काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, हालांकि दोस्तों इस फिल्म के जो शो है वो हिंदी में किसी कारणों से लेट शुरू हुए थे और यही वजह है दोस्तों कि हिंदी में इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो काफी कम रहा है। लेकिन दोस्तों उम्मीदें हैं कि ये फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में हिंदी में काफी अच्छी कमाई कर लेगी। और अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म को आज मॉर्निंग में ही हिंदी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी हासिल हुई है। मुंबई में दोस्तों इस फिल्म के शो 25-30% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुए हैं। वहीं दोस्तों तेलुगु स्टेट्स में इस फिल्म के जो शो है वो लगभग 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुए हैं। ये फिल्म दोस्तों अपने दूसरे दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है। तो वहीं दोस्तों तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो अपने दूसरे दिन का लगभग 7-8 करोड़ रुपए का आने वाला है। इस कंडीशन में दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 2 दिनों में 22-23 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से कर लेगी और बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 2 ही दिनों में एक स्टाइलिश ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, खिलाड़ी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में कितने करोड़ की कमाई कर पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।